आप हैं जहां, न्यूज ब्रॉडकास्ट है वहां। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज ब्रॉडकास्ट में। हरियाणा के गुड़गांव के पौश इलाके सेक्टर 108 की M3M की वुड सायर सोसाइटी में आग लगने से हड़कंप मच गया। हाई राइज बिल्डिंग की 9वीं मंजिल में आग इलेक्ट्रिक कंबल में हुए शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। बताया जा रहा है कि जिस समय आगजनी की ये घटना हुई उस समय सोसाइटी में कई परिवार मौजूद थे जो आग लगने पर अपनी जान बचाने के लिए नीचे की तरफ दौड़े। गनीमत ये रही कि आगजनी की इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। M3M की वुड सायर सोसाइटी में आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फायर अधिकारी के माने तो आग की सूचना कल सुबह मिली थी, जिस पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को तुरंत रवाना कर दिया गया था। आग इलेक्ट्रिक कंबल में शॉर्ट सर्किट होने के चलते लगी है। शॉर्ट सर्किट किस कारण से हुआ इसकी जाँच की जा रही है। सर, M3M में आज एक सोसाइटी में आग लग गई, क्या कितने बजे की घटना है और कितने बजे आपको सूचना मिली सर? इस सुबह लगभग 7:30 बजे की घटना है। हमारे पास कॉल आई भीमनगर फायर स्टेशन पे भी इस तरह से M3M सोसाइटी में आग लगी है। आपकी सूचना मिलती है हमारी एक गाड़ी चली गई, फिर आग जैसे मिले आग ज़्यादा है इसलिए दो गाड़ी वहाँ एक गाड़ी और वहाँ से भेज दी और इधर से हमने सेक्टर 29 से हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म भी भेज दी कि इनकेस एमरजेंसी कोई हमारे कोई ऐसा कोई कैजुअलिटी या किसी कोई ऐसा फंसा ना हो उसके अंदर हमें रेस्क्यू करना पड़े तो उस रेस्क्यू मद्देनजर रखते हमने अपनी गाड़ी हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म भी भेजी और मौके पे लगभग 1 घंटे में हमारी आग बुझा के वापस आ गई। सर, क्या कारण रहे आग लगने के? आग लगने का कारण तो शॉर्ट सर्किट ही है। ड्यू टू शॉर्ट सर्किट कई बार ओवरलोडेड हो जाता है, कई बार ध्यान नहीं देते, हम लोग भी कई बार ध्यान देते। अब सर्दी का मौसम, हमने गीजर भी चला दिया, हमने दो दो गीजर चला दिए, उधर गीजर चला दिया, उधर हीटर चला दिया, इस तरह की जो ओवरलोडेड हो जाए कई बार ओवरलोडेड होने की वजह से भी ड्यू टू शॉर्ट सर्किट हो सकता है। कितनी गाड़ियां लगी वहां पर, कितने लोग मौजूद थे फ्लैट के अंदर? हमारी तीन गाड़ियां लगी हैं और मौजूद फ्लैट तो पूरा कम्प्लीट था, पूरा भरे हुए थे और परमात्मा की कृपा से कोई भी ऐसा हादसा नहीं हुआ। कितने घंटे में सर? लगभग एक घंटा लगा हमें कंट्रोल करने में, हम 1 घंटे में वापस आ गए। अब तक लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को आज सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।